हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रू मैन पर आधारित टॉप 1000 क्वेश्चंस की। इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 175 क्वेश्चंस की, और नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ इरडा, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी। सेकंड क्वेश्चन है द कॉम्पिटिशन विच सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डिजायर इज कॉल्ड। तो ऐसा कॉम्पिटिशन जिसमें पर्टिकुलर जो डिजायर होती है हमारी वो उसको सेटिस्फाई करती है, वो कहलाते हैं हमारे जेनेरिक कॉम्पिटिशन। थर्ड है डीजीटी का मीन्स क्या होता है। तो डीजीटी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लानिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज लार्जली बेस्ड ऑन, तो वो है एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो फर्स्ट फैक्टर है प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस आर डिस्क्राइब इन, तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी RTPS किसमें डिफाइन किया गया है, वो किया गया है सेक्शन 30 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट है द कंज्यूमर्स एनकाउंटर्स द, कंज्यूमर्स एनकाउंटर स्थित, कंज्यूमर क्या एनकाउंटर करते हैं, वो करते हैं ब्रांड कॉम्पिटिशन को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कंट्रोल्ड ओवर मर्जर अमलगमेशन टेक ओवर एक्सेट्रा, तो वो है NASDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनल्टी फॉर डिले इन रिफंडिंग एप्लीकेशन, तो वो है 15% ऑन कॉल्स इन एडवांस इंटरेस्ट इज पेएबल, तो इंटरेस्ट है 6%। कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इज कॉल्ड, तो जब किसी फिजिकल शेयर को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में तो उसको बोला जाता है डीमेटलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट इश्यू, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी किस तरह के शेयर को इश्यू नहीं कर सकती, तो वो है डेफर्ड शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू, तो री इश्यू पर जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर का वो ट्रांसफर किसमें किया जाता है, वो किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट है द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज, तो वो है 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम कैन बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ, तो किससे होगा, वो होगा जनरल रिजर्व से। नेक्स्ट शेयर्स विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स आर कॉल्ड, तो उन्हें बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेट ऑफ, तो वो होता है डिविडेंड। When debentures are redeemed out of profit, an equal amount is transferred to. तो equal amount कहाँ transfer किया जाता है, वो किया जाता है debenture redemption reserve में। Next question है, when own debentures are cancelled, any profit on cancellation is transferred to. तो वो किया जाता है capital reserve में। Next question है, premium on issue of debenture is that. तो वो होता है हमारा capital profit. कैपिटल फॉर अमलगमेशन इज गिवन इन, तो अकाउंटिंग कोई भी अमलगमेशन की जो अकाउंटिंग है वो किसमें दी हुई है, तो वो दी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। कॉल इन एडवांस इज शोन इन द बैलेंस शीट एज, तो वो दिखाया जाता है एज अ करंट लाइबिलिटीज। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज एप्लीकेबल फॉर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ, तो किया जाता है मर्जर में। रियलाइजेशन लॉस इज ट्रांसफर टू, तो ट्रांसफर किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है, तो वो एक चार्ज है अगेंस्ट जर्नलिज्म। डिविडेंड इज पेड ऑन, तो डिविडेंड पे किया जाता है पेड अप कैपिटल में। द अमाउंट सेट असाइड टू मीट द लॉस ऑफ बैड डेट इज, तो वो कहलाता है प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनक्लेम्ड डिविडेंड इज शोन इन, तो अनक्लेम्ड डिविडेंड कहाँ शो किया जाता है, वो किया जाता है बैलेंस शीट में। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज, तो एडवांस पेमेंट किया जाता है टैक्स का, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। डिवेंचर होल्डर्स आर नोन एज, तो वो जाने जाते हैं क्रेडिटर्स ऑफ दी कंपनी से। लॉस ऑन इश्यू और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज, तो वो है फिक्टिशियस असेट्स। स्टॉक इज अ कंसोलिडेशन ऑफ, तो स्टॉक क्या है, वो है फुली पेड शेयर का कंसोलिडेशन।
the minimum amount of capital which must be subscribed by the public before allotment is called, तो वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट है प्रेफरेंट शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेट ऑफ, तो वो है डिविडेंड. द टर्म ईवीए इज रीयूज्ड फॉर, तो ईवीए टर्म जो है यूज किया जाता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए. नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो सिग्निफाइज, तो सिग्निफाई करता है ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को. इन करंट रेशियो करंट असेट्स आर कंपेयर्ड विद, तो कंपेयर की जाती है करंट लायबिलिटीज से. इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद, तो किससे की जाती है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से. कॉस्ट ऑफ टोटल असेट्स रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो वो इम्प्रूव किए जाते हैं रिडेम्पशन ऑफ डेट से. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज इज, तो वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विद, तो वो की जाती है सेल्स के साथ. डेप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लोज बिकॉज इट, तो क्या करती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन किसी भी कैश फ्लो में इनकॉर्पोरेट की जाती है, उसका मेन पर्पस होता है रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी. इवेल्यूशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल्स इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज बिकॉज कैश इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट. अ साउंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन, तो एक साउंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो है किस पर बेस्ड होती है, वो होती है कैश फ्लोज पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स, तो जब हाई डिग्री फाइनेंशियल लिवरेज होता है उसका मतलब है हाई डेट प्रपोर्शन. विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर फर्म्स, तो फर्म के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज एंड लो फाइनेंशियल लिवरेज, ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइंड लिवरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओएल एंड एफएल बाय देयर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. ऑपरेटिंग लिवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ, तो ऑपरेटिंग लिवरेज अराइज होता है क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फिक्स कॉस्ट होने के कारण ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा अराइज होता है. फाइनेंशियल लिवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ, तो फाइनेंशियल लिवरेज हमारा क्यों अराइज होता है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है. फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ, तो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एवरेज कॉस्ट है किसकी, वो जितने भी सोर्सेज हैं उन सबके एवरेज निकालते हैं तो फर्म की कॉस्ट कहलाती है. फुल फॉर्म ऑफ स्वैट, तो स्वैट का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. विच प्लान इंट्रोड्यूस द टाइम एंड टारगेट अप्रोच टू फैमिली प्लानिंग, तो वो है सिक्स प्लान, सिक्स प्लान के अंदर इसको टारगेट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है UNCTAD स्टैंड फॉर, यानी UNCTAD की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज कॉल्ड एज ब्रिटन वुड ट्विंस, तो ये जाना जाता है IMF एंड IBRDK, ठीक है. इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ट्रीट किया जाता है एज अ कैपिटल रिजर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं किसके द्वारा, तो प्रिपेयर किए जाते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के द्वारा. ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर, तो ओनर की जो इक्विटी होती है वो बताती है टोटल असेट्स को जो हम माइनस करते हैं टोटल आउटसाइड लायबिलिटी से, तो वहां पे हमारी ओनर्स इक्विटी निकल कर आती है. नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हार्मोनाइज करना डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिस को. मैरिट रेटिंग ऑल्सो नोन एज, तो मैरिट रेटिंग जो होती है उसको और किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं इफिशियंसी रेटिंग, सर्विस रेटिंग एंड एक्सपीरियंस रेटिंग से. डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड इज अंडरटेकन बाय, तो वो किसके द्वारा अंडरटेकन करता है, वो होता है SBI. SBI डायरेक्ट उस पर सुपरविजन करते हैं. हु इज द चेयरमैन ऑफ 30th फाइनेंस कमीशन, तो कौन था, तो वो थे डॉक्टर विजय सी केलकर. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग, तो सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज किया जाता है, कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो वो है एक्सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स अबाउट डाइट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो किससे इन्फ्लुएंस्ड है ये सारी चीजें, वो है कल्चरल एनवायरमेंट से.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज जनरली फाइनेंस्ड व्हाई? तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है जनरली किससे फाइनेंस होती है, वो होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड से. कैंडल्स कोफिशियंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस इज यूज टू. तो कैंडल का जो कोफिशियंट है कॉन्कॉर्डेंस का, वो किस लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है वेरिएबल्स के बीच जो भी रिलेशनशिप है उसको टेस्ट करने के लिए. ठीक है. इन केस द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल अंडर कैपिटल राशनिंग एंड अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड इज, तो वो क्या है? वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अ मोरेटोरियम ऑर्डर कैन इश्यूड बाय हाई कोर्ट फॉर अ मैक्सिमम टोटल पीरियड ऑफ, तो टाइम पीरियड क्या है? वो है 6 मंथ्स. नेक्स्ट है फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट्स. तो क्या अफेक्ट करता है? वो अफेक्ट करता है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेशंस मेनली मल्टीनेशनल इन करेक्टर कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, तो प्रिंसिपल के अंदर आता है, वो आता है रेसिप्रोसिटी के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज. तो स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज हैं वो किस लिए यूज की जाती है, मतलब क्या काम होता है उनका? तो उनका काम होता है गिव डायरेक्शन, यानी वो हमें एक डायरेक्शन देती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुई थी? तो नेशनलाइज हुई थी January 1, 1949 को. नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन नोन एज. तो पिन बैंकिंग ट्रांजेक्शन में क्या बताता है या क्या एक्सप्रेस करता है? वो बताता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 सीक्स टू रेगुलेट. तो 2002 जो है कॉम्पिटिशन एक्ट, वो क्या बताता है? ये एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट होता है या मर्जर एंड अमलगमेशन जो होते हैं उस पर ये वॉच करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दी डिग्री ऑफ सुपर लिवरेज वुड बी कैलकुलेटेड बाय. तो सुपर लिवरेज की डिग्री है वो कैलकुलेटेड किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है? तो जो हम DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी सुपर लिवरेज की डिग्री निकल कर आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लेविट थीसिस मीन्स. तो लेविट थीसिस का क्या मतलब है? तो स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड मार्केट एंड एक्सपेंड द मार्केट थ्रू एग्रेसिव लो प्राइसिंग. तो इसका ये मतलब होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशंस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू. तो किसके कारण नहीं होती है? वो नहीं होती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के द्वारा. फॉर मोस्ट पीपल द परचेज ऑफ चीज फॉर डेली यूज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ. अगर बहुत सारे लोग हैं जो चीज को डेली यूज के लिए, मतलब उनके लिए डेली का काम है इसको परचेज करना, तो वो किस चीज में इंक्लूड होती है? तो वो रूटीन रीबाय में यूज कंडक्ट की जाएगी. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ नैरोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट टू अ स्मॉलर फील्ड इज कॉल्ड. तो जब स्मॉलर फील्ड के मैं जब लार्ज नंबर के कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी प्रोसेसिंग की जाती है या उनको अपॉइंट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिलेक्शन. द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज. तो रीजनल रूरल बैंक की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन है? तो वो है नाबार्ड. कॉल मनी इज. तो कॉल मनी क्या है? कॉल मनी है मनी बोरोड और लेंट फॉर अ डे और ओवरनाइट. तो एक दिन के लिए जो बोरो की जाती है मनी, वो कॉल मनी कहलाती है. नेक्स्ट है एज पर द RBI एक्ट 1934 द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिस्क्राइब्ड एज द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक. तो ये किस तरह के फंक्शंस में आता है? ये आता है बैंकिंग फंक्शंस में. नेक्स्ट है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीवर्स ब्यूरोक्रेसी. तो वीवर ब्यूरोक्रेसी का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो वो है स्पेशलाइजेशन हायरकियर अथॉरिटी एंड सिस्टम ऑफ रूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स एट कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन. तो ये किस चीज में करती है ये काम? ये करती है कॉस्ट सेंटर वाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट. तो वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट कौन सा था? वो था डाउ जोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस बाय. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था UNDP ने. नेक्स्ट है प्रेस रिलीज इज अ पार्ट ऑफ. तो प्रेस जब रिलीज जो प्रेस रिलीज है वो किसका पार्ट है? तो वो है पब्लिक रिलेशन का. नेक्स्ट है इन 1992 द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज पर.
तो 1992 में जब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स किया गया था तो वो किसके अंडर किया गया था, तो वो एम नरसिंघम कमेटी रिपोर्ट के अंदर किया गया था। मैचिंग इसेंशियल मैनेजर्स एंड इसेंशियल पोजीशन इज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ, तो जब इसेंशियल मैनेजर्स और इसेंशियल पोजीशन को मैच किया जाता है तो वो किसका स्टेप है, तो वो स्टेप है सक्सेशन प्लानिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैरियर्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल आर, तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल का बैरियर क्या है, तो वो है फॉल्टी रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉपुलर टेक्निक फॉर फोरकास्टिंग इज, द पॉपुलर टेक्निक क्या है फोरकास्टिंग की, तो वो है रिग्रेशन एनालिसिस। डेटा इंटीग्रिटी रिफर्स टू, डेटा इंटीग्रिटी क्या बताता है, ये बताता है वैलिडिटी ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल डेटा इज स्टोर्ड इन बी, तो एक्सटर्नल डेटा जो है वो क्या स्टोर करता है, वो स्टोर करता है मार्केट फोरकास्ट फाइल को। द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड मार्केटिंग प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बी दोज डीलिंग विद, तो जो स्ट्रक्चर्ड मार्केटिंग प्रॉब्लम्स होती है वो किसके साथ डील करती हैं, वो डील करती हैं प्लेस से। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल सॉल्व प्रॉब्लम्स डीलिंग विद, तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो होते हैं किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व डील करते हैं, वो करते हैं रूट्स एंड मिक्सेस की प्रॉब्लम को। एज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस इज, तो वो क्या है, वो है पॉजिटिवली करेक्टेड कोरिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, तो वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, तो वो है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज डिटरमाइंड बाय, तो दो वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या, कौन डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड एंड रिलेटेड मास्टर फाइल्स इज नोन एज, तो जब कोई इंटीग्रेटेड और रिलेटेड मास्टर फाइल्स का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम डेटाबेस। नेक्स्ट है, अब ये फ्रेंड्स कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि ट्रू मैन बुक्स में दे रखी थी और जो आपका एग्जाम है उसमें भी इम्पोर्टेंट बहुत है, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट है फेरा, फेरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको कन्वर्ट करके फेमा में कर दिया है, तो फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट है DGTF यानी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्री। फिक्की जिसको बोलते हैं FICCI जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है फिडाई यानी FEDAI इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ONGC, ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है MMTC यानी मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है MSTC यानी मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। OGL यानी ओपन जनरल लाइसेंस। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नेक्स्ट है IRBI जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है CRR जिसको बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है SLR जिसको हम बोलते हैं स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। CDS यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। SEBI स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। IPO, IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। BSE, BSE का होती है फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। OTCEI, इसकी फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है NSE जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSDL जो कि है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSCCL यानी नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। VCF यानी वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। VSAT यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। BOLT जिसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन। S&P CNX निफ्टी जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर क्रिसिल इंडेक्स निफ्टी। LTP यानी लास्ट ट्रेड प्राइस। VDMS यानी होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट।
सीएमएस यानी कैपिटल मार्केट सेगमेंट, अपेडा जिसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, नेक्स्ट है मपेडा जिसकी फुल फॉर्म है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईसीटी, आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीए, आईसीए की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, आईटीपीओ, आईटीपीओ की फुल फॉर्म है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, आईआईपी की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, यूएनडीओ, यूएनडीओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आईटीसी, आईटीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, सेज, सेज की फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ईपीसी, ईपीसी की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फ्रेंड ये सारी फुल फॉर्म है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स रिगार्डिंग आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है डीजीटीएफ, डीजीएफटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, नेक्स्ट है डीजीसीआई यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस, HACCP यानी हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, फियो यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन, MSTC यानी मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, MSTC यानी स्पाइसेस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, CLA यानी काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, MDA यानी मार्केट डेवलपमेंट असेसमेंट, MAI यानी मार्केट असेस इनिशिएटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंकिंग रिलेटेड टर्म, तो वो है इक्विनॉक्स, नेक्स्ट है स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड इन अ कंपनी मीटिंग व्हाई, तो जब स्पेशल रेजोल्यूशन किसी कंपनी में पास किया जाता है तो किस हिसाब से होना चाहिए, वो होना चाहिए 3/4 मेजोरिटी से पास। नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड बाय, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है किससे ऑल्टर किया जा सकता है, वो किया जा सकता है एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करा के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डू नॉट हैव द ऑब्लिगेशन टू गेट इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो किस तरह की कंपनी के लिए है, ये है पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does management audit imply? What management audit जो होती है वो क्या बताती है, ये वो बताती है efficient audit. Internal audit is done by, तो internal audit किसके द्वारा किया जाता है, done वो किया जाता है employees of the organization, ठीक है। Next question है The principle of indemnity is not related to, तो जो indemnity का वो principle है वो किससे related नहीं है, तो वो life insurance पे apply नहीं होता है। Next है the technique of कैरेट एंड स्टिक इज यूज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर, तो कैरेट एंड स्टिक किसके लिए यूज किया जाता है, वो किया जाता है किसी चीज को मोटिवेट करने के लिए। दी क्लियरिंग एजेंट इज अपॉइंटेड बाय, तो क्लियरिंग एजेंट जो है वो कौन अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है इम्पोर्टर। नेक्स्ट है सोशल अकाउंटिंग मीन्स, तो सोशल अकाउंटिंग का क्या मतलब है, तो सोशल अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग फॉर सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट। नेक्स्ट है इफ दी गुड्स परचेस्ड आर इन ट्रांजिट देन द जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड विल बी, अगर गुड्स ट्रांजिट में है ठीक है तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो वो होगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस इज फॉलोड ड्यू टू, तो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है कन्वेंशन ऑफ कन्वर्सेशन के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पे आउट रेशियो मीन, तो पे आउट रेशियो का क्या मतलब है, तो पे आउट रेशियो का मतलब है रेशियो ऑफ डिविडेंड्स एस पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ऑडिट इज कंपलसरी फॉर, तो ऑडिट किसके लिए कंपलसरी है, ऑडिट है जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल प्लान्स मेड फॉर फेसिंग कॉम्पिटिशन आर नोन एज, तो कोई भी स्पेशल प्लान बनाया जाता है किसी भी चीज को कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेटजीज। Which of the following organization makes doing business report every year? So, doing business report कौन सी organization बनाती है? तो वो बनाती है World Bank. Next question है हमारा, In the absence of articles,
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड ऑडिटर शुड कीप इन माइंड. तो क्या ऑडिटर क्या माइंड में रखता है, वो रखता है जब आर्टिकल्स बनाता है टेबल ए को, हु मेक रिकमेंडेड स्पेशल ऑडिट ऑफ अ कंपनी. तो स्पेशल ऑडिट कंपनी को कौन रिकमेंड करता है, वो रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज अ, तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है वो क्या है, तो वो एक तरह का सरप्लस है. नेक्स्ट है डिवेंचर ऑफ 4,25,000 आर इश्यूड अगेंस्ट परचेस ऑफ असेट्स. तो कोई भी डिवेंचर है हमने जो इश्यू किया है किसी असेट्स को परचेस करने के अगेंस्ट में, जो कि हमारी 4,50,000 की. तो इन दिस केस द अमाउंट ऑफ 25,000 इज, तो 25,000 इन केस में क्या है, तो वो हमारा है कैपिटल रिजर्व. एमबीओ इज अ टेक्निक ऑफ, तो एमबीओ क्या है, एमबीओ है कंट्रोलिंग. ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो वो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में. तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स. और कोई भी क्वेरी है, सजेशन है, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमने ट्रूमैन जो आपकी बुक है उसमें से लिए हैं सारे क्वेश्चन. तो अगर आप ट्रूमैन से किसी भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो एक रिविजन की तरह काम करेगी. आप यहाँ से अपने जो भी आपने क्वेश्चन पढ़े हैं उसको आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और विच वीडियोस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.